वेलकम बैक। ज्यादातर लोग अपनी रिटायर्ड लाइफ एक ऐसी जगह बिताना चाहते हैं जहां उन्हें सुख शांति के साथ हर सुविधा भी मिले। इसी को ध्यान में रखकर अब कई रियल एस्टेट कंपनियां बुजुर्गों को रिझाने में लगी हैं और ऐसे रिटायरमेंट होम्स बना रही हैं जिन्हें उनकी हर सुख सुविधा का तो ध्यान रखा जाता ही है और साथ ही 24/7 सिक्योरिटी भी दी जाती है। ये है 55 साल के सूर्य भान सिन्हा और उनकी पत्नी पुष्पा सिन्हा। सूर्य भान के 2 बच्चे हैं जो विदेश में रहते हैं। अकेले रहने के चलते सूर्य भान अगले साल वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का प्लान बना रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी जगह बिताना चाहते हैं जहां शहरी भागदौड़, प्रदूषण और शोर शराबा ना हो। आदमी इस उम्र में आकर के रिटायरमेंट के करीब पहुंच करके चाहता है कि हमको शांति मिले, जिंदगी भर के आबाधापी से अलग होकर के एक शांत जगह पर रहना चाहता है। यहाँ पर सभी सुविधाएं एक जगह मिले। इनके ही जैसे हजारों लोग ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के बाद बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं और बेहतर जगह शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं। ऐसे ही लोगों की मांग को ध्यान में रखकर बिल्डर्स भी खास तौर पर ऐसे बुजुर्गों के लिए हाउसिंग परियोजनाएं बना रहे हैं। 5 साल पहले केवल 3 से 4 डेवलपर्स ही 55 से 70 वर्ष के लोगों के लिए मकान बना रहे थे, लेकिन इस समय देश भर में 14 डेवलपर्स ऐसे हैं जो सीनियर लिविंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। पंचकुला में ओपेरा CCPL ग्रुप भी बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट होम्स और कासा गोल्ड नाम से आवासीय परियोजनाएं बना रहे हैं। इन फ्लैट्स की शुरुआती कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए रखी गई है। आशियाना हाउसिंग भी बुजुर्गों के लिए पुणे में खास रिसॉर्ट्स पर काम कर रही है। उत्सव नाम की इस परियोजना में फ्लैट्स की शुरुआती कीमत लगभग 26 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा आशियाना हाउसिंग उत्सव लवासा नाम से भी एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। इसमें 475 रिटायरमेंट होम्स बनाए जा रहे हैं जिसमें विला और कई तरह के अपार्टमेंट्स के विकल्प रखे गए हैं। वहीं पुणे में अथाश्री के नाम से खास तौर पर बुजुर्गों के लिए एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसमें 1, 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स के विकल्प रखे गए हैं। इन रिटायरमेंट होम्स की कीमत 25 से 35 लाख रुपए के बीच में है। Retirement home is a lifestyle product. It's not a second home. It's a first home concept. ये और इसकी जो ज़रूरत है वो बढ़ती नज़र आ रही है आज के सामाजिक सोशो इकोनॉमिक जो चेंजेस हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आज आप इस तरह के retirement homes नहीं खरीद सकते हैं तो आप इनको लीज पर भी ले सकते हैं। अमृतसर में इम्पैक्ट सीनियर लिविंग एस्टेट नाम से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक लाइफस्टाइल टाउनशिप बनाई जा रही है। इसमें बुजुर्गों को ध्यान में रखकर मकान और विला तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इस टाउनशिप में आपको मकान खरीदने के विकल्प नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें लीज एंड ऑनरशिप मॉडल के तहत आप मकान के मालिक बन सकते हैं। इम्पैक्ट सीनियर लिविंग एस्टेट में लीज पर घर लेने के लिए आपको 20 साल के लिए 10 से 18 लाख रुपए के बीच में बतौर लाइसेंस फीस देना होगा और मकान खाली करने पर आपको इस फीस का 60% से 80% हिस्सा रिफंड किया जाएगा। बिल्डर्स ने भी शहर से कुछ दूर जाकर जहां पर वो अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कॉन्क्रीट का जंगल ना बनाए, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, जहाँ पर एक इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहे, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर एक रिजॉर्ट लिविंग हो जिसमें हर वो फैसिलिटीज़ हो, एक बेसिक एमिनिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, क्लब फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मिले जहाँ पर एक एक एज में आके लोग अपने तरीके के लोगों के साथ रहें। देश भर में डेवलपर सीनियर लिविंग सेगमेंट में लग्जरी से अफोर्डेबल तक के घर तैयार कर रहे हैं। इनमें उनकी जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 24 घंटे सुरक्षा, मेडिकल सुविधा और बिजली पानी सप्लाई की सुविधा का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी डुडेजा।